हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 में दे रखा है, फॉलोइंग टेबल शो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड ऑफ कार पासिंग थ्रू एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन अ हाईवे। किसी हाईवे से कार जाती है तो उनकी अलग अलग स्पीड को नंबर ऑफ कार में रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि 30 से 40 किलोमीटर तक जाने वाली 3 कारें हैं, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार में जाने वाली 6 कारें, इस तरीके से हमें डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। फिर बोला गया ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, पहले हिस्टोग्राम बनाओ एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द डाटा अबो, और इसका हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। तो पहले हम इसका बनाते हैं हिस्टोग्राम। देखो, हिस्टोग्राम बनाने से पहले आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहली चीज़, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, ठीक है, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। दूसरा, इनके बीच का जो इंटरवल है वो सेम होगा, जैसे कि इन दोनों में कितने गैप है 10, इन दोनों में 50 में से 40 का कितना है 10, यहाँ पे भी 10 10 10 10। अगर इनका जो बीच का गैप है अगर वो सेम नहीं होता है तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पर सेम है इसलिए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे, और जो क्लास इंटरवल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो मैंने पहले से यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना रखा ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। तो क्लास इंटरवल को हम यहाँ मेंशन करेंगे, मेरी स्पीड होगी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 and 140। ये तो होगी हमारी स्पीड। एंड जो वाई एक्सिस पे, अब देखो इस फ्रीक्वेंसी को देखना, में फ्रीक्वेंसी में जो हमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड या स्केल चूज होगा वो यूज़ करेंगे। चाहो तो आप यहाँ पे 4-4 का गैप लेके देख लो। हमें ये देखना होता है कि इसमें जो नंबर है वो मैक्सिमम किस टेबल में आ रहे हैं, जिस टेबल में आ रहे हैं उसी टेबल का यूज़ करना चाहिए यहाँ पर वाई एक्सिस को शो करने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो 25 65 50 है ये 5 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर मैं गैप ले लेता हूँ 5 का, बट ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 का ही लो, 10 का भी ले सकते हो, 15 का भी ले सकते हो, 12 का भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो, बट मैं इसको फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए यूज़ करता हूँ 5 का टेबल, ठीक है। गैप सबका सेम होना चाहिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70। कहाँ तक लेके जाना फ्रिक्वेंसी को, इसके मैक्सिमम नंबर तक। मैक्सिमम नंबर इसका 65 है, तो मैंने 65 तक यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है। अब इसके हिस्टोग्राम को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है हमारा 30 से 40 पे 3 दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो 30 से 40 मेरा ये रहा, अब 3, देखो 5 ये है, 5 का हाफ होता है 2.5, तो हाफ से हल्का सा ऊपर लेके चलना पड़ेगा हमें 30 से 40, बिल्कुल मामूली सा। ये दोनों लाइनें आ गई, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये हमारा पहला रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा इसके बाद में दे रखा है 40 से 50 पे 6, यानी कि 5 से बिल्कुल मामूली सा ऊपर 40 से 50। थोड़ी बड़ी खींच गई मेरे से, ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें मिला हुआ है 50 से 60 पे 25, तो 50 से 60 मेरा ये रहा, 25 ये रहा, तो मैं 25 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। और इन दोनों को मिला देते हैं। जैसे मैंने इन तीनों रेक्टेंगल को बनाया, सिमिलरली बाकी वालों को भी इसी तरीके से इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, बाकी के रेक्टेंगल मैंने इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि 60 से 70 पे कितना दिखा रहा है, 65, 60 से 70 मेरा ये रहा, और कितना दिखा रहा है यहाँ पे 65, तो यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। सारे रेक्टेंगल मैंने इस टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, तो ये तो हो गया मेरा हिस्टोग्राम यहाँ पे कंप्लीट। बट हमें इसमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा, देखो 30 और 40 इन दोनों का हमें लेना है मिड पॉइंट, इसी तरीके से 40 50 का भी हमें क्या लेना है मिड पॉइंट, 50 60 का भी लेना हमें मिड पॉइंट, एंड 60 70 की जो है इसका भी ले लेंगे मिड पॉइंट। इन सभी के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे,
ठीक है। इस तरीके से इन सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमारा पॉलीगन मिलेगा वो होगा हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने इन सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, बट पॉलीगन जो होता है हमारा एक्स एक्सिस से ज्वाइन होता है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे देखो 90 और 100 इनके बीच में कितना आ रहा 95, इसी तरीके से 100 और 100 इनके बीच में कितना आ जाएगा 105। अगला पॉइंट मेरा ये हो जाएगा और इसका शुरुआती पॉइंट होगा 20 और 30। देखो 30 और 40 के बीच में कितना आ रहा 35 और 20 और 30 इनके बीच में हमारा कितना आ जाएगा 25। तो इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि पॉलीगन हमारे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइंट होता है। कि मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इन पॉइंटों को नाम देना चाहो दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। और हमारी जो एक्स एक्सिस पे इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये हमें एक तरीके से स्पीड दे रखी है इन किलोमीटर पर आवर में, और जो हमारे वाई एक्सिस पे हमने दिखाया ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कार है। एक तरीके से यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसका स्केल भी यहाँ पर मेंशन कर दें कि एक्स एक्सिस में एक सेंटीमीटर जो है वो देखो यहाँ पे 10 के इंटरवल है ना, तो यानी कि यहाँ पे होगा 10 किलोमीटर पर आवर, और वाई एक्सिस में एक सेंटीमीटर इक्वल है, यहाँ पर मैंने कितने गैप ले रखा है 5 का, तो यहाँ लिख दो 5 यूनिट, ये मेरा इसका स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ये तो होगा मेरा हिस्टोग्राम, इन रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगा मेरा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।